हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश की विस्टास बुक का चैप्टर 1 कवर करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। नाउ वी विल कवर दिस चैप्टर इन पार्ट्स, सो हियर वी विल हैव पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी, आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन। द थर्ड लेवल रेफर्स टू एन इमेजिनरी लेवल। लेवल मीन्स अ फ्लोर। This imaginary level exists on a railway station. New York में एक railway station है, Grand Central। उसके दो floors हैं, दो levels हैं। But हमारे narrator को ऐसा लगता है कि उसका एक third floor भी है, third level भी exist करता है। और यही जो mystery है, उसके बारे में ही इस story में उन्होंने हमें सुनाया है। Now basically this chapter is a science fiction and it talks about time travel. वॉट इज टाइम ट्रेवल? बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में भी हमने टाइम ट्रेवल देखा है। उसमें क्या होता है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ साल पास्ट में या फ्यूचर में ट्रेवल करके चले जाते हैं। सो इस स्टोरी में भी हम ऐसे ही टाइम ट्रेवल देखते हैं, जब हमारे नरेटर भी पास्ट में चले जाते हैं इन द ईयर 1894 एंड ही रीचेस गेल्सबर्ग। काफी सिंपल स्टोरी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो एक चीज क्या है, वो यही है टाइम ट्रैवल। तो आपने जैसे मूवीज देखी हैं, एवेंजर्स एंड गेम, बैक टू द फ्यूचर, ऐसे और भी बहुत सारी मूवीज हैं जिनमें टाइम ट्रैवल के बारे में हमें दिखाया है। आप कुछ मूवीज भी देख सकते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इजिली समझ सकें। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे देन दिस चैप्टर विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी टाइम ट्रैवल के, साइंस फिक्शन की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, ये भी ऐसी एक स्टोरी है। तो इसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, एक उनका फ्रेंड है सैम जो साइकेट्रिस्ट है, उनका डॉक्टर भी है, और चार्ली की वाइफ है लुइजा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब ये क्या है, New York Central, New Haven, Hartford Railroads, ये सब रेलवे स्टेशन है। जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम जगह के नाम से होता है, लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पे हर एक लोकेलिटी में एक रेलवे स्टेशन है जो कि उनकी मेट्रो रेल्स को जोड़ता है। ऐसे अब दिल्ली में भी मेट्रो बन गई है, बहुत सारी सिटीज में बन गई है, तो हर एक लोकैलिटी का अलग से रेलवे स्टेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सब रेलवे स्टेशन के नाम हैं, ये उस लोकैलिटी के नाम पर रखे हुए हैं। स्टैक मीन्स अ पाइल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक ढेरी बनी हुई है कागज की, दिस इज अ स्टैक। तो यहाँ पर हमारे राइटर कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड, इन सभी रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो टाइम टेबल्स की जो ढेरी है, टाइम टेबल्स वो टाइम टेबल शेड्यूल होता है कि ट्रेन्स के आने जाने का क्या टाइम है, अराइवल डिपार्चर का जो टाइम टेबल है, उसकी पाइल के ऊपर भी वो कसम खा सकते हैं कि सिर्फ दो ही एग्जिस्ट करते हैं। क्या दो एग्जिस्ट करते हैं? दो फ्लोर्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। नरेटर कहते हैं कि मैं कहूंगा कि तीन लेवल्स हैं, तीन फ्लोर्स हैं, क्योंकि वो थर्ड लेवल पर भी गए हुए हैं। क्लैरिटी के लिए मैंने ये इमेज भी लगाई है। अब जितने भी रेलवे स्टेशन ये होते हैं, यहाँ पे सबवे चलती हैं जो कि अंडरग्राउंड रेलवेज होती हैं। तो अगर हम इसे ग्राउंड फ्लोर मान लें तो ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, ये हो जाएगा सेकेंड लेवल और ये हो जाएगा थर्ड लेवल। तो हमारे डायरेक्टर क्या कह रहे हैं कि उनका ये मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो वहां पर गए हुए हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स। ऑब्वियस मीन्स समथिंग विच इज नेचुरल, जो कि स्वाभाविक है, होना ही है। वो कहते हैं कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसके बारे में बात की। साइकेट्रिस्ट क्या है? एक ऐसा डॉक्टर जो हमारे ब्रेन की वर्किंग और हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। अब राइटर को जब ऐसा लगा कि उन्हें थर्ड लेवल भी देखा है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कस किया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट।
waking dream wish fulfillment means that in reality, we may see something that is not there, but we wish it to happen and we want it to exist. इसका क्या मतलब हुआ? कि रियलिटी में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि वो एग्जिस्ट करे. हम चाहते हैं कि वो प्रेजेंट हो. उसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि जागते हुए आप अपने सपने की पूर्ति करना चाहते हैं. आपका जो सपना है, आप चाहते हैं कि वो रियलिटी बन जाए. तो राइटर के साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि जो वो कहते हैं कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो उनका एक ऐसा सपना है जिसे वो सच करना चाहते हैं. इसलिए उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है और वो ये सोच रहे हैं कि सच में ये लेवल एग्जिस्ट करता है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. फर्दर साइकेट्रिस्ट चार्ली को कहता है कि वो नाखुश है अपनी जिंदगी से, तभी वो ऐसी चीजें ड्रीम कर रहा है और उनके सच होने के बारे में सोच रहा है. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. जब चार्ली ने अपनी वाइफ को बताया कि साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो अनहैप्पी हैं, तो उनकी वाइफ को गुस्सा आ गया. इस चीज को उनके साइकेट्रिस्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं, डर हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सब चिंता में डूबे रहते हैं और इस वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं एंड एवरीवन वांट्स टू एस्केप आउट ऑफ दिस रियल लाइफ. दैट इज व्हाई वो ऐसे ड्रीम्स देखते हैं और उनकी पूर्ति करना चाहते हैं. वेल, हु डजंट? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. चार्ली ने कहा कि कौन नहीं एस्केप करना चाहता. सब अपनी लाइफ से दुखी हैं, सब बहुत ज्यादा सैड हैं, अनहैप्पी हैं, सब एस्केप करना चाहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाकर आए हैं. तो चार्ली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. लेकिन फिर भी साइकेट्रिस्ट ने कहा कि यही रीजन है तुम्हारे ये इमेजिनेशन का और नरेटर के सभी फ्रेंड्स भी इस बात से एग्री कर रहे थे. Everything points to it, they claimed. उन्होंने कहा कि तुम्हारे जितने भी सिम्टम्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम अनहैप्पी हो और तुम अपनी रियल लाइफ से एस्केप करना चाहते हो. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Refuge means something that provides a temporary shelter. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाते हैं, बारिश होने लग जाती है तो आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए. सो द ट्री इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फॉर यू. सिमिलरली यहां पर राइटर कहते हैं कि वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, तो ये जो उनकी हॉबी थी वो भी उनकी रियल लाइफ से एक टेम्पररी रिफ्यूज था, क्योंकि जब वो ये हॉबी में बिजी हो जाते थे तो वो अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूल जाते थे. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. अब नरेटर कहते हैं कि उनके grandfather ने stamp collecting का ये जो hobby है ये शुरू किया था. तब वो ये hobby अपनी reality से भागने के लिए नहीं करते थे. उन्हें अपनी reality से भागने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके time पर चीजें बहुत अच्छी थी, जमाना बहुत अच्छा था, बहुत सुख शांति थी, सब लोग बहुत खुश रहते थे. इसलिए उन्हें एस्केप करने के लिए ऐसी हॉबीज को एक रिफ्यूज की तरह यूज नहीं करना पड़ता था और उन्होंने ही हमारे नरेटर की स्टैम्प कलेक्शन शुरू करवाई थी. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. अब राइटर कहते कि उनकी स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छी है, उसमें हर तरह की चार चार स्टैम्प्स है, हर US इशू की चार चार स्टैम्प्स है. US इशू मींस जो भी स्टैम्प इशू होती है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो हर तरह की स्टैम्प की चार चार ब्लॉक्स, चार चार तस्वीरें उन्होंने रखी हुई हैं और उन्होंने फर्स्ट डे कवर्स भी रखे हुए हैं.
फर्स्ट डे कवर्स क्या हैं ये हमें स्टोरी में आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन तब तक आप कितने ज्यादा क्यूरियस ना रहें तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी स्टैंप, न्यू स्टैंप जब रिलीज होती है, उसके रिलीज वाले दिन की डेट ऑफ रिलीज पर उस स्टैंप को एक एनवेलप के ऊपर चिपकाया जाता है और उसे पोस्ट किया जाता है। पोस्ट करके व्यक्ति अपने ही एड्रेस पर उसे भेज देता है, क्योंकि वो उस एनवेलप को कलेक्ट करना चाहता है। वो एनवेलप है फर्स्ट डे कवर, क्योंकि उसके ऊपर जो स्टैंप है वो उसी डेट की है जिस डेट पर वो स्टैंप रिलीज हुई है। तो जो पोस्टल स्टैंप है और जो स्टैंप का रिलीज डेट है वो सेम है, उस एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैंप्स टू, यू नो, सो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वो भी स्टैंप्स कलेक्ट किया करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो अब राइटर वापस से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के हादसे के ऊपर आ जाते हैं। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट दी ऑफिस। तो पिछली गर्मियों की बात है, वो देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब वो जल्दी में थे, वो अपने अपार्टमेंट पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे ले लेंगे, अंडरग्राउंड ट्रेन ले लेंगे, क्योंकि वो बस से ज्यादा तेज होती है। Now, I don't know why this should have happened to me. अब अचानक से उनके साथ कुछ होता है। I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब राइटर कहते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं एक ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ, मेरा नाम है चार्ली, मैं 31 years का हूँ, मैंने एक tan color का, tan एक color है, light brown color होता है, टैन कलर का गाबरडाइन सूट पहना हुआ था। गाबरडाइन इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक, तो गाबरडाइन से बना हुआ सूट पहना हुआ था उन्होंने, और सिर पे उन्होंने स्ट्रॉ से बनी हुई एक हैट पहनी हुई थी, और उसका जो बैंड था वो बहुत ही फैंसी था। तो ये राइटर की डिस्क्रिप्शन है जब उनके साथ ये इंसिडेंट होता है। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी। तो कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत सारे और भी आदमी थे जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। फिर वो कहते हैं कि इस समय मैं किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल Where you take trains like the 20th century. तो अब वो कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसा। किस डायरेक्शन से घुसा? वैंडरबिल्ट एवेन्यू से घुसा। वैंडरबिल्ट एवेन्यू एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, तो हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बहुत सारे एंट्रेंसेस होंगे, उनमें से एक है वैंडरबिल्ट एवेन्यू, जहां से हमारे नरेटर इस स्टेशन में घुसे। फिर वो सीढ़ियां उतर के फर्स्ट लेवल पर गए, जैसे कि ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, तो वो स्टेप्स उतर कर नीचे गए फर्स्ट लेवल पर, और वो वहां पहुंच गए जहां से 20th सेंचुरी नाम की जो ट्रेन है वो चलती है। तो अगर किसी ने 20th सेंचुरी ट्रेन में ट्रैवल करना है, वो वहां से ही उस ट्रेन को पकड़ता है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. Ducked means नीचे की तरफ झुक जाना। जब आप अपने सिर को आगे नीचे की तरफ झुका लेते हैं in order to avoid hitting into something, in order to avoid being hit by someone. तो राइटर कहते हैं कि फिर वो सेकेंड लेवल पर चले गए, एक और स्टेप ऑफ स्टेयर्स उतर कर वो सेकेंड लेवल पर चले गए, वहां से सबअर्बन ट्रेन चलती हैं, और एक आर्क्ड डोरवे था। आर्क क्या होती है? दरवाजा जिसके ऊपर ऐसी आर्क की शेप बनी होती है। तो इस तरह की शेप का एक दरवाजा था, उसमें से क्रॉस करने के लिए वो नीचे की तरफ झुके, और फिर उन्होंने उस दरवाजे को जैसे ही क्रॉस किया वो गुम गए, और वो कहते हैं कि ये तो करना बहुत ही आसान था, बड़ी आसानी से वो गुम गए। I have been in and out of Grand Central hundreds of times,
but I'm always bumping into new doors and stairs and corridors. तो कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत दफा गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, लेकिन हर बार मेरे को नए दरवाजे मिलते हैं, नई सीढ़ियां मिलती हैं, नए कॉरिडोर्स मिलते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हमेशा बदलता रहता है. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. एक बार वो कहते हैं कि वो एक टनल में घुस गए. ये स्टेशन है, यहां से वो एक टनल में घुसे और टनल से जब वो बाहर निकले तो वो एक होटल की लॉबी में पहुंच गए. रूजवेल्ट होटल भी न्यूयॉर्क में है, तो वो इसके लॉबी में पहुंच गए. तो बड़े हैरान थे कि ये स्टेशन कैसा है कि इसके एक टनल की कनेक्शन इस होटल की लॉबी के साथ है. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे. एक बार फिर ऐसे ही वो एक टनल में घुसे और कहां पर निकले, एक ऑफिस बिल्डिंग में. वो ऑफिस बिल्डिंग 46th स्ट्रीट पर थी जो कि रेलवे स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर है. तो इसी वजह से राइटर को बहुत परेशानी होती थी. उन्हें समझ नहीं आता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हमेशा बदलता रहता है, नए नए दरवाजे, नए नए रास्ते, और पता नहीं कहां कहां पर वो उन्हें पहुंचा देते हैं. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. अब यहां पे आप ये इमेज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज है. ये आपकी बुक से ही ली गई है. राइटर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है, उसमें से नए नए कॉरिडोर्स और नए नए रास्ते निकलते रहते हैं. जैसे एक पेड़ की जड़ें उगती रहती है ना, लंबी होती रहती हैं, इधर उधर उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं. इसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भी जो रास्ता है वो चेंज होता रहता है और उसमें से नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस और दरवाजे निकलते रहते हैं. देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. अब ये सारी जगहें न्यूयॉर्क में अलग अलग लोकेशंस हैं. टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, ये दोनों बहुत ही फेमस लोकेशंस हैं न्यूयॉर्क में. तो अब यहां पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है, प्रोबेबली मींस बहुत हाई चांस है कि ऐसा हो सकता है कि एट प्रेजेंट मींस अभी ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसकी और भी जड़ें ग्रो कर रही हैं और बहुत सारे नए टनल्स बन रहे हैं और वो कहां की तरफ जा रहे हैं. हो सकता है एक टनल टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है और एक और टनल सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा है. तो हो सकता है कल को जब हमारे राइटर एक टनल में घुसे तो वो कहां बाहर निकलेंगे, टाइम स्क्वायर में. हो सकता है एक और टनल में घुसे तो कहां निकलेंगे, सेंट्रल पार्क में. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब राइटर कहते हैं कि हम जब भी रेलवे स्टेशन जाते हैं हम एग्जिट करते हैं ना, हम एक जगह से निकल जाते हैं. सपोज आप एक ट्रेन में बैठे तो वो ट्रेन आपको उस जगह से बाहर ले जाएगी, आप एग्जिट कर देंगे. एग्जिट मीन्स बाहर निकलना. तो हो सकता है राइटर ने इसी वजह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक एस्केप करने का रास्ता समझा, किसी रियलिटी से भागने का रास्ता उन्होंने इस स्टेशन को समझा, क्योंकि स्टेशन पर वो ट्रेन में बैठते हैं और उस जगह से बाहर निकल जाते हैं. तो इसी तरह ग्रैंड सेंट्रल उन्हें उनकी लाइफ के रियलिटी से भी बाहर निकाल देगा. फिर वो सोचते हैं कि मे बी यही रीजन हो सकता है कि वो कैसे एक टनल में घुसे और कहीं और नई जगह पर पहुंच जाते हैं. उनका जो माइंड में ये चल रहा है कि उन्हें एस्केप करना है, उन्हें अपनी रियलिटी से भागना है, वो चीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो टनल में घुसते और कहीं और पहुंच जाते हैं. लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताई. The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब वो कहते हैं कि जिस कॉरिडोर में मैं घुसा वो कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ एंगल कर रहा था, मीन्स वो मुझे धीरे 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 लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा था.
और वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ भी था, यानी कि वो एक और नेक्स्ट लेवल, थर्ड लेवल की तरफ जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो वो ऑलरेडी सेकेंड लेवल पर थे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये जो कॉरिडोर है ये इन्हें और नीचे लेकर जा रहा था, उन्हें लग भी रहा था कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो चलते गए। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल, मीन्स वहां पे और कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेले थे, उन्हें सिर्फ अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी और वहां पे कोई भी नहीं था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब वो इस टनल में चलते जा रहे थे, बिल्कुल सुनसान था। अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि सामने बाहर आगे जाकर खुला एरिया है, उन्हें वहां पर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब टनल अचानक से लेफ्ट ओर मुड़ा और थोड़ी सी सीढ़ियां आई। शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मीन्स देयर वाज अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेप्स, थोड़ी सी स्टेप्स थे जिन्हें वो उतरे और वो कहां पहुंच गए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। कुछ पलों के लिए तो नरेटर को ऐसा लगा कि वापस सेकेंड लेवल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल दिखने में काफी सिमिलर थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि वो लेवल का कमरा छोटा था साइज में, वहां पे टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स भी कम थे। सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में वहां पर टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स कम थे, जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था, मीन्स जैसे पुराने जमाने में इन्फॉर्मेशन बूथ हुआ करते थे वो वैसा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जो टिकट बेचता है, वो दिखने में कैसा था, उसने हरे रंग के आई शेड्स यानी कि ऐसे आई ग्लासेस पहने हुए थे हरे रंग के, और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। इस इमेज में देखिए, इस व्यक्ति ने ये जो ब्लैक कलर का फैब्रिक पहना हुआ है अपनी बाहों के ऊपर, ये क्या है, ये स्लीव प्रोटेक्टर है, बाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उसने पहना हुआ है। तो इस तरह के ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स इस टिकट सेलर ने भी पहने हुए थे। The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. वहां पे जो lights थी, third level पे जो lights थी, वो भी अलग थी, वो थोड़ी dim थी, इतनी bright नहीं थी, and they were flickering. Flickering means they were unstable. Means वो जो light है, वो एक तरह की नहीं थी, वो बार-बार हिल रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये लाइट थी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ये भी ओल्डन टाइम में हुआ करती थी, पुराने जमाने में इस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, बल्ब्स नहीं होते थे, ऐसे फ्लेम जगाकर, जैसे हम कैंडल्स जगाते हैं, मशाल जगाते हैं, उस तरह की लाइट थी। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, वील कंटिन्यू द स्टोरी इन सेकेंड पार्ट। थैंक यू।